2013 में कमल खिलाने वाली दबंग लेडी ममता मीना अब आप पार्टी में शामिल हो गई हैं। जब हम उनके घर पहुंचे तो यहां पर हमने देखा कि ममता मीना पूरी तरह से आप पार्टी में अपने आप को समर्पित कर चुकी हैं और यहां पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेकर वो पूरी जानकारी लेती हुई कि किस तरह से अब आप आदमी पार्टी चाचुड़ा क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाएगी और एक बार फिर ममता मीना 2013 वाला चुनाव का इतिहास दोहराते हुए आम आदमी पार्टी को यहां से विजय दिलाएंगी। इसी को मंथन को लेकर आप पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं समस्त कार्यकर्ता ने उनके साथ बैठक की। इसके बाद ममता मीना ने अपने मंदिर स्थित भगवान की पूजन अर्चन कर यहां से तस्वीर लेकर अपने साथ आप कार्यालय के लिए रवाना हुई। आप देख रहे हैं कि ये वो मंदिर का दृश्य है। यहां से अब ममता मीना आप पार्टी का जो चाचौड़ा में कार्य खोला जा रहा है उसके लिए अपने गंतव्य की ओर रवाना होती हुई। अपने निज निवास अजगरी गांव से ममता मीना पहुंची चाचौड़ा स्थित रामानंद आश्रम के समीप अपने आम आदमी पार्टी के कार्यालय। यहां पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे जिन्होंने विधिवत पूजन अर्चन के साथ यहां पर आप पार्टी का कार्यालय की शुभारम्भ किया, जिसमें देख रहे हैं कि आप ममता मीना पूजन अर्चन करती हुई अपने पति के साथ। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हुए चाचौड़ा में, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय खुल रहा है। आइए, हमारे साथ हैं यहाँ पर जनप्रतिनिधि वगैरह, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार ममता मीना जी जो हैं भाजपा छोड़कर आप पार्टी में आई, अब आप लोग किस तरह से देखते हैं उनको। मैं जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश बाबू मीना, और हमारे दिल में दीदी बसी हुई है और दीदी ने इस क्षेत्र का जो विकास किया है वो आज 50-60 साल से किसी भी विधायक ने नहीं किया। जो दीदी के कार्यकाल में जो विकास हुआ है उससे हम अति प्रसन्न हैं और हम दीदी के साथ हैं और हमेशा दीदी पार्टी हमारी। आज दीदी आम पार्टी में आई तो दीदी का जो हृदय का दर्द है, वही दर्द हमारे अंदर है और वही हमारे लिए दीदी के लिए उत्साह है। दीदी जा भी है और दीदी जिस पार्टी में उसी पार्टी में हम हैं, तो तेरा ही दुख दर्द हृदय का दीदी हमने पहचाना, इसीलिए तो पहन लिया है आम आदमी का बाना। हम दीदी के साथ है, दीदी के साथ रहेंगे और दीदी को दीदी ममता दीदी ममता दीदी। अब आप कैसे देखते हैं इसको बताइए, कैसे करेंगे आप रूप लगा अपनी तैयार? हम अभी आप पार्टी इतनी मजबूत रही है क्षेत्र में, नहीं उम्र के आ रही है आगे बढ़ेगी, तो अब आप किस तरह से इसको एक मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे? नहीं देखो, हमारे यहाँ पे पहले से हमारा मैनेजमेंट बना हुआ है, सब जनप्रतिनिधियों का, पूरे क्षेत्र का, पूरी जनता के, पूरे किसान भाइयों के, सब दीदी के साथ है। और यहाँ पर ये इसमें जब ये भारतीय जनता पार्टी का पैनल आया, इसमें जब से नाम थोड़ा गड़बड़ाया है तब से ही नहीं, हमारी पहले से पूरी तौर तरीके से तैयारी जमी हुई है। हम विधानसभा सीट जीतेंगे और हम राज्य में भी सरकार बनाएंगे। चुनाव में देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये तीन चीज, सड़क, ये क्षेत्र के लिए ये महत्वपूर्ण मुद्दे रहते हैं और वो लगभग दीदी ने 5 साल के विधायक कार्यकाल में 403 रोड़े ग्रामीण क्षेत्र में बनवाई और बहुत सारे सिंचाई के लिए भी तालाब बनवाए। और आज जो दीदी बिजली के लिए भी दीदी ने 132 केवी का सब स्टेशन नहीं था हमारी विधानसभा चाचौड़ा में, उसकी वो भी हमारे दीदी की घोषणा
पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र रहता था उसमें दीदी का पर्सनल घोषणा पत्र था कि हम मैं मेरी विधानसभा में 132 केवी का सब स्टेशन लगवाऊंगी, तो वो भी लगवाया। अब बाकी क्षेत्र की जनता की भी एक ही पुकार है, ममता दीदी फिर से आपकी बार। ये कार्यकर्ता महाराणा प्रताप के लिए उस जमाने में घास फूस की रोटी खाके युद्ध लड़ाता है, इसी तरह चाचोड़ा विधानसभा का कार्यकर्ता सर्दी गर्मी भूख प्यास सबको त्याग कर ये चुनाव लड़ेंगे और फतेह पाना है और मध्य प्रदेश में आम आदमी की सरकार बनाना है। जय हिंद, जय भारत। आप बताइए थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र को लेकर क्या तैयारी रही है दीदी के लिए? दीदी अपने अपने काम के लिए, हम उनके लिए मनने के लिए तैयार है। क्या नाम है? रामचरण मीना। हम तो आम पार्टी के साथ है और हम दीदी के काम करेंगे और दीदी हमारी बिल्कुल विजय होगी। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह मीना। सरपंच साहब, आप बताइए किस तरह से आम आदमी पार्टी कार्य करने जा रही, क्योंकि उन्होंने 2013 में कमल खिलाया था, क्या इस बार झाड़ू को वो आगे दिलाएंगी? जी बिल्कुल दिलाएंगी, क्योंकि जो माननीय अभी मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी है जो 10 गारंटी लेके आए, वो 10 गारंटी के साथ में हम क्षेत्र में विधानसभा में जाएंगे और लोगों को बताएंगे भाई आम आदमी पार्टी का क्या एजेंडा है। किसानों का मतलब बिजली का बिल जीरो जो अभी पंजाब में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, वो चाचोड़ा में भी चलेगा, मध्य प्रदेश में भी चलेगा। और ये जो इनकी तीन गारंटी है, शिक्षा स्वास्थ्य, ये महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, इनको लेकर हम विधानसभा में जाएंगे और निश्चित ही यहाँ से आम आदमी पार्टी का झंडा लहराएंगे। आप बताइए कि आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप लोग ये जो कार्यकर्ता है सब भारतीय जनता पार्टी का मंजा हुआ कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी को उच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना बहा के नहीं भारतीय जनता पार्टी को उच्च स्थान पर पहुंचाया, लेकिन इस कार्यकर्ता की आज भारतीय जनता पार्टी ने कोई कदर नहीं करी। इस चक्कर में हम आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में कहीं ना हमने जाना पसंद किया है, और जब हम हमारा खून पसीना बहा के पार्टी को उच्च स्थान पर पहुंचा सकते हैं तो उससे लड़ने के लिए कहीं ना मान लो हम कुछ भी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के आप लोग किस तरह कार्य कर रहे हैं? देखिए हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनकी रीति नीति से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी नहीं और अन्य राजनीतिक दल भी प्रभावित होकर के वो जो अच्छी सोच रखते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है, ममता मीना जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद में केजरीवाल जी की गारंटी। देखिए अब आम आदमी पार्टी पूरे कमर कर चुकी है चाचोड़ा विधानसभा क्षेत्र में और जमकर यह देख रहा कितना उत्साह दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में। ऐसा लगता है कि इस बार भाजपा और कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी अपना एक अहम हिस्सा यहाँ पर एक अपना वर्चस्व बनाएगी। मैं लोकेश सिंह ठाकुर। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश शहर जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।